इस बार कोरोना की लहर ने शहरी क्षेत्र के बजाय ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक तबाही मचाई। ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधा एवं जागरूकता की कमी के कारण संक्रमण काफी तेजी से फैला, जिसको लेकर राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर द्वारा कोरोना मुक्त ग्राम अभियान चलाया जा रहा है। उक्त अभियान के तहत जिला विधिक सहायता अधिकारी रोबिन दयाल और अध्यक्ष तहसील विधिक सेवा न्यायाधीश कसरावत संतोष सैनी के निर्देश में कसरावत पैरालीगल वॉलंटियर अखिल खान और देवदत्त एकल द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में अभियान चलाकर लोगों में जन जागृति और संवाद किया गया। घर पर चौपाल चौपाल जाकर ग्रामीणों को कोरोना संक्रमण और इसके बचाव के प्रति जागरूक किया गया। उसी तारतम्य में आज ग्राम छोटी कसरावत में पैरालीगल वॉलंटियर द्वारा जनसंपर्क कर ग्रामीणों को मास्क लगाने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने, हाथ धोने और जरूरी काम होने पर ही घर से बाहर निकलने जैसी महत्वपूर्ण जानकारी दी गई। कसरावत से अखिल खान की रिपोर्ट। आज ग्राम पंचायत छोटी कसरावत में क्या आयोजन रखा? जैसा कि आपको मैं बता दूं कि अभी देश कोरोना महामारी के दौर से गुजर रहा है और अब ये जो बीमारी है वो शहरों के बाद धीरे धीरे जो है ग्रामीण क्षेत्रों में अपने पैर पसारने लगी है। तो जिस तरीके से छोटे छोटे गाँव में ये बीमारी तेज़ी से बढ़ती जा रही है, उसको देखते हुए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा कोरोना मुक्त ग्राम योजना कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें हम प्रति शनिवार और सोमवार को कसरावत तहसील के प्रत्येक गाँव में जा करके और लोगों को कोरोना के बारे में बताते हैं कि जिस तरीके से ये जो बीमारी है ये क्यों कैसे तेज़ी से पैर पसार रही है। इसके लिए हमें अलग अलग जिस भी व्यक्ति को बीमारी हो जाए उसे परिवार से अलग रखा जाता है, उसे क्वारंटाइन बोलते हैं, उसको अलग रखा जाता है। बीमारी के लक्षण बताए उन्हें और बीमारी से बचाव के बारे में भी जानकारी दी कि किस तरीके से यदि बीमारी होती है तो उससे बचाव किया जा सकता है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।